तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए व्लॉग में। अभी मैं जाने वाला हूँ जल्दी से सुनील के पास। अभी आ रहा है राहुल और सुनील बन चुका है पापा और मैं बन चुका हूँ ताऊ। इतनी छोटी उम्र में ही ताऊ बन के एक अलग ही फीलिंग आ रही है। उसके लिए उपहार तोहफे वगैरह भी लेने हैं हमको, तो वो भी अभी लेंगे जैसे ही राहुल आ जाएगा। इतनी देर में मैं खा लेता हूँ खाना और मैं हो गया हूँ रेडी। आज तो जल्दी हो गया हूँ तो अभी जाता हूँ जल्दी से खाना खा के। दोस्तों फाइनली जिसका था इंतजार आ चुका है राहुल और अभी जाएंगे जल्दी से। तो दोस्तों अभी राहुल के घर पे आ चुका हूँ और अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। सुनील के पास जाना यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों फाइनली राहुल के घर पे रुके थे थोड़ी देर और अभी सीधा जा रहे हैं सुनील के पास पनेआली। यहाँ से 30 किलोमीटर है शायद। और राहुल भाई तैयार हो फिर आप? हैं? बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल ठीक है तो अब जाते हैं जल्दी से। तो गाइस अभी रुक गए हैं मिठाई की दुकान पे, अभी जा रहे थे और बीच में भी रुक गए हैं मिठाई वाली दुकान पे और यहाँ से लेते हैं मिठाई। सुनील का कॉल आ गया था कि मिठाई लेते हैं ना, तो अभी यहाँ से लेते हैं जल्दी से। तो गाइस अभी लड्डू ले लिए हैं, ये देख सकते हो पीछे डब्बे पड़े हैं और अभी इनको लेके जाते हैं जल्दी से सुनील के पास। सुनील ने मंगवाए थे वहाँ पे स्टाफ को बांटने हैं। तो गाइस अभी आ गए हैं सुनील के पास और ये देखो सुनील भाई। सुनील भाई यार तरस गए आपके लिए तो हाँ तो हो जाता है। पापा बन गए हैं, अब आप पापा बन गए हैं, बधाई हो आपको है। तो गाइज अभी 4:30 हो चुके हैं और 5 बजे छुट्टी दे देंगे। 5 बजे यहाँ से हम जा सकते हैं लेके भाभी जी को, साथ में मेरे भतीजे को राहुल भी। राहुल भी ताऊ बाबा के ताऊ बाबा ताऊ एक ही ताऊ बन गया। राहुल भी ठीक है, मैं भी ताऊ बन गया और सुनील भाई बन चुके हैं पापा बन गए, भगवान ने बना दिया। सही है बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो गाइस छुट्टी दे दी है हॉस्पिटल से और अभी हम जा रहे हैं सुनील के घर। भाभी जी आ रहे हैं कार के अंदर और वो सब आ रहे हैं और अभी जाते हैं सीधा घर। तो चलो भाई सुनील भाई चलते हैं जल्दी से। शाम का टाइम हो गया है, आज पार्टी तो नहीं हो पाएगी पर कल जरूर पार्टी करेंगे। तो गाइस ठंड काफी बढ़ चुकी है, अभी जल्दी जाते हैं सुनील के घर। तो गाइस अभी आ चुके हैं सुनील के घर। सुनील भाई देखो कैसे बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि भाई शरीफ हो गए आज, शरीफ हो गए। और टूर गाइड अभी आपको ना मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, आज कल दिखाऊंगा मैं आपको, वो फोटोज अटैच कर दूंगा वीडियो अंदर। और इतना क्यूट है ना दोस्तों, मतलब क्या ही बोलूं, शब्द ही कम है। विराट नाम रखा है और ये अनुज ने प्रांडा का कोट ले लिया है। तो गाइस अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुके और उसके बाद चले जाएंगे घर। मेरे को छोड़ के आएगा राहुल, गाड़ी तो आपको पता ही है मैं कैसे चलाता हूँ। तो बहुत दिक्कतें हैं, गाड़ी सीखनी पड़ेगी क्योंकि अभी राहुल को भी टाइम लगेगा छोड़ के आना वापस, वरना अगर मेरे को आती हो चलानी सर्दी बाइक पे आऊंगा मैं। हाँ बाइक पे और आएगा इतनी सर्दी में, और मैंने कुछ पहना भी नहीं है फिर भी बाइक पे आऊंगा देखो। अरे इतना भी ये आपके ही है भाई, आप ही बहनों अभी जाते हैं। और मम्मी ने स्टार्ट कर दिए पेंडिये बनाने, वो भी आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ अभी घर, सुनील को बोला अलविदा, कल मिलेंगे उससे। और अभी मम्मी बताएंगे, मम्मी कोई अपडेट है? आज तो पूरा दिन नहीं, तो पूरा दिन सामान हमने तो तैयार करवा लिया, कूट लिया, पिसवा लिया। कूट लिया? हाँ। क्या सामान किया? गोटे थे, सिंगोड़े थे, कारक थी, वो सारे पिसवा के मंगवा लिए। कहाँ पे? मेज पर पड़ा सारा सामान तैयार। ये तो कमाल कर दिया आपने, बताया ही नहीं। तो ये देखो दोस्तों सामान सारे रेडी है, पिसवा लिए हमने और आज हम बनाएंगे। कौन से पेंडिये बनाएंगे? मेरे को नाम ही नहीं पता। गूंद वाले पेंडिये। गूंद वाले? हाँ। चिपकने से है वो? हाँ। हैं? चिपकेंगे नहीं, गूंद वाले पेंडिये बनाएंगे। ठीक है तो आज बनाएंगे गूंद वाले पेंडिये। और अभी मैं जल्दी से कपड़े चेंज कर लेता हूँ, साथ चढ़ा देंगे कढ़ाई। अभी क्या टाइम हो गया? अभी 7 बजने वाले हैं, बस 15-20 मिनट में चढ़ा देंगे। ठीक है ओके। तो देवी और सज्जनों स्टार्ट कर रहे हैं अभी पिंडिये बनाने की प्रक्रिया। दूध डाल रहे हैं 8 किलो और इस दूध को जब तक ये खावा न बन जाए, खोया हिंदी में यही कहते हैं शायद, तो इसको तब तक ये मिक्स करना है, इसे नीचे आग जला और इसको करना है मिक्स। इसको करेगा
का मिक्स हमारा अनुज। ना ना मैं नहीं करने वाला मिक्स, बस वीडियो वीडियो में ये आ जाता है। वीडियो नहीं, आपको दिखाता हूँ पूरा कि कैसे तैयार हुए। दोस्तों अभी ये दूध जो था आपने देखा होगा 8 किलो था, 8 किलो से ये पता नहीं कितने ही 1-2 किलो हो गया है। 2 किलो दूध हो गया ये, और कितना गाढ़ा हो गया है देखो। और ऐसे ही इसको 1 घंटा और मिक्स करेंगे फिर ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। हैं? तो कितने घंटे? अभी तो 15 मिनट लगे, आधा घंटा और लगेगा। और कभी मम्मी लड़ रही है पापा से, कभी पापा लड़ रहे हैं मम्मी से कि आप इसके अंदर ये क्या ले रहा हूँ आनंद। मैं गर्म हो रहा हूँ ये इस भट्टी से, दोनों की लड़ाई का आनंद ले रहा हूँ मैं भी। आनंद क्या, WWE चल रही है यहाँ पे? पापा जी ये आपके हाथ में हरक कितनी गेर हुई इसके अंदर? 1 किलो है। 1 किलो गेर दोगे? इतनी गर्मी आ गई मेरे अंदर तो मैं ठंड को कुछ समझूंगा ही नहीं फिर तो। 1 किलो खारक है, 1 किलो गोटे गट। ये दोस्तों पहले से ही इन्होंने बढ़िया से मिक्स करवा लिया था चक्की से, चक्की से ही ना, हाँ चक्की से पिसवा लिया था। दोस्तों भी कंफ्यूजन होगी थी मम्मी को कि पापा ने ये सारा सफेद सफेद कहीं से इन्नी तो नहीं घेर दी, शुगर का मरीज बना देंगे हमको तो। पापा शुगर का मरीज मत बना देना मेरे को आप, ठीक है? अरे सफेद चीज सीनी नहीं होती मम्मी, मुझे पता नहीं था। ओ पापा तो, अरे ये नीचे धन्ना मर जाए या नीचे आके इसके, आप इतना जोर से इसको घसीट रहे हो। अभी कितना टाइम लगता? अभी तो बन ही गया, अब 15-20 मिनट तो अभी इनको रेडी करके ही आपसे मिलूंगा, ठीक है? पेंड ये बढ़िया रेडी हो जाएंगे ना, फिर टेस्ट करके बताऊंगा। हर एक बार मैं, आप सोचते हो हर एक बार अपनी मम्मी की तारीफ देते हैं, काजू बादाम पिस्ता। ये भी घेरोगे? काजू बादाम पिस्ता है। अरे आप इसके अंदर ही घेरना, कहीं इसके बाहर ही घेर दो, उछाल मत देना। ये तैयार बैठा है एक धन्ना हमारा, एक मुट्ठी देना मम्मी। नहीं क्यों, मुट्ठी खाते हैं तो कितने खाते हैं? ये ज्यादा गर्मी आ जाएगी तो। अभी दोस्तों ये जैसे ही रेडी हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था और अभी मेरे को पता चला कि लास्ट पार्ट बना ही नहीं। मेरा जो पीछे वाला कैमरा है रियर कैमरा, इसमें मैं शूट कर रहा था और गलती से क्लिक हो गया था फ्रंट कैमरे पे, और मैं ऐसे करके बना रहा था वीडियो और बनी नहीं वीडियो। तो मैं अभी रिव्यू दे देता हूँ आपको कि जो पिंडिये थे वो बहुत बढ़िया थे, पर एक दिक्कत होती है पिंडियों के अंदर, वो बाद में सख्त हो जाते हैं ना, पहले तो बढ़िया रहते हैं, बाद में सख्त हो जाते हैं तब बिल्कुल बढ़िया नहीं लगते। तो इनको शुरुआत के 1-2 दिन में खा लो तो ही बढ़िया है, वरना कोई फायदा नहीं है। बाकी मम्मी के हाथ की बात ही अलग है, मैं ऐसा नहीं कि मम्मी की तारीफ करता रहता हूँ, पर सही में कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया चीज बनाते हैं। जो भी चीज बनाते हैं ना, जो भी घर पे चीज बनाएंगे वो बहुत बढ़िया। तो आज का व्लॉग रखते हैं यहीं तक, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।